डियर स्टूडेंट वेलकम SVM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम ज्योग्राफी की। इस वीडियो में देखिए, हमने पिछली क्लास के अंतर्गत ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने एस्किमो जनजाति के बारे में बातें की थी। हमने पढ़ा कि किस प्रकार उनका रहन सहन, उनके भोजन की किस प्रकार की सुविधाएँ थी या किस प्रकार वो अपना भोजन करते थे। उनके हमने वस्त्रों की भी बात की थी कि कौन कौन से वो कपड़े पहनते थे। हमने बात की थी कि तिम्याक क्या होता है, अनुहाक की बात की थी हमने मुकलुक्स की बात की थी। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली थी। तो आज पढ़ेंगे कि उनके जो निवास स्थान हैं, वो जहाँ पर रहते थे, उनके घर को क्या कहते थे, किस प्रकार के उनके घर थे, वो उसकी बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा निवास स्थान। ये निवास स्थान किसका पढ़ रहे हैं भाई? एस्किमो जनजाति का। ये तो पता होना ज़रूरी है कि हम जो एस्किमो जनजाति हैं उनके निवास स्थान को देख रहे हैं। तो एस्किमो जनजाति, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। हम निवास स्थान की बात करेंगे इस वीडियो में, ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो, हमने उनके एरिया की तो बात कर ली थी कि निवास क्षेत्र कौन कौन सा है। निवास स्थान में उनके जो निवास गृह है या गृह मतलब घर, उसकी बात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके जो मकान हैं या जो घर हैं वो किससे बनते थे? बर्फ़ से बनते थे, या उसमें वो पत्थर का भी प्रयोग करते थे। इसके अलावा उसमें हड्डियों का भी प्रयोग करते थे। हड्डियों के माध्यम से भी वो क्या करते थे, अपना घर बनाते थे। तो बर्फ़ हैं, पत्थर हैं, हड्डियाँ, इसके अलावा जानवरों की खाल है, उस खाल से भी अपने घर में उसका प्रयोग करते थे। ये ध्यान रखना है। तो बर्फ़, पत्थर, हड्डियाँ और खालों से वो अपना क्या करते थे, घर बनाते थे। बात समझ आ गई? लेकिन ध्यान रखना है कि सर्दियों में, या मैं बात करूँ शीतकाल में, कि जब सर्दियाँ होती थी, शीतकाल था, उस समय जो अपना घर बनाते थे बर्फ़ का, विशेषकर उस समय जो बर्फ़ का घर बनाते थे, उस घर को बोलते हैं इग्लू। क्या बोलते हैं उसको? इग्लू। तो बर्फ़ के घर को क्या बोलते हैं? इग्लू। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ ही जाता है कि बर्फ़ के घर को या इग्लू क्या होता है। तो ध्यान रखना है कि इग्लू हैं वो बर्फ़ के मकान को या बर्फ़ के घर को कहते हैं। अगर मैं इस इग्लू की बात करूँ तो आपको समझना है कि ये जो हैं वो लगभग पाँच हैं ज़मीन में खड्डा खोदते, पहले तो भूमिगत होता है, ठीक है, और ज़मीन से भी वो ऊपर लेते हैं, लेकिन ज़मीन से ऊपर ज़्यादा नहीं लेते हैं, दो तीन फीट वो ज़मीन से ऊपर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसमें लकड़ी का प्रयोग करके, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उसके अंदर व्हेल मतलब व्हेल मछली की जो हड्डियां हैं उसका भी प्रयोग करके वो क्या करते थे, ये घर बनाते थे। तो लकड़ी है, वेल मछली जो है उसकी हड्डियों का भी प्रयोग करके ये इस घर में बनाने में इसका प्रयोग करते थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इग्लू की बात समझ में आ गई, ठीक है, और बर्फ़ के घर को इग्लू कहते हैं। और भी जो घर है जैसे लकड़ी का बनाते थे, या जो वेल है उसका जो घर बनाते थे, उसको मैंने बताया आपको कि इसको क्या कहते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि उसको कर्मक कहते थे, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? कर्मक। तो इस ढांचे के जो घर बने होते हैं उनको कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मक, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि इनका जो घर बना हुआ है उसके अंदर जाने के लिए ज़मीन के अंदर एक सुरंग सी बनाते हैं, भूमिगत सुरंग, और उस सुरंग का प्रयोग करके वो अंदर प्रवेश करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और अगर हम ग्रीष्मकाल की बात करें तो ग्रीष्मकाल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि वो अपना जो घर है वो तंबू के रूप में बनाते हैं, अस्थाई घर बनाते हैं ग्रीष्मकाल में, और वो जो घर है वो तंबू से बनता था। तंबू जैसा जो घर है, आपने तंबू तो देखा होगा, तो वैसा भी घर बनता था। तो इनके जो दो घर हैं, एक तो हमने कर्मक की बात की है, कर्मक का मतलब समझ में आ गया होगा, जिसमें लकड़ी और वेल मछली की हड्डियों का प्रयोग है वो कर्मक हो गया। बर्फ़ का जो बना हुआ है वो इग्लू हो गया,
ठीक है। और तंबू भी इस प्रकार का, तंबू का भी घर बनाते थे, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तंबू का तो ये ध्यान रखना है, तंबू का घर होता था गर्मियों के अंदर, ठीक है। लकड़ी और हड्डियों का भी प्रयोग करते थे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इग्लू कैसे बना होता है। अगर हम इग्लू की बात करें तो आपको चित्र बता देते हैं किस प्रकार से इग्लू अपना घर बनाते थे और घर किस प्रकार का होता था। जो आपको ये पेज भी दिखाई दे रहा है, ये जो घर है इस घर को बोलते हैं इग्लू। इसमें जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, बर्फ़ के हैं, बर्फ़ के जो टुकड़े हैं, बर्फ़ के जो इस तरह से पत्थर जैसे हैं, वो इस घर बना हुआ है। ये लगभग ध्यान रखना है 5-6 फीट तो पहले ज़मीन के अंदर होता है, फिर इसे 2-3 फीट ऊपर लेकर इस प्रकार से घर बनाते हैं और इसमें निवास करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और जो आपको ये घर दिखाई दे रहा है ये तंबू का होता है अस्थायी घर, ये ध्यान रखना आपको। ये जो घर है तंबू का है और इसमें लकड़ी है, खाल है, इनका प्रयोग करते थे। और ये जो जानवर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये रेडियर है, इसको कैरिबो कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और इस प्रकार से बर्फ़ के अंदर इस प्रकार से लोग रहते हैं, तो ये इनका जीवन बड़ा दुर्बल है, ये समझते हैं आप अच्छी तरह से। तो हमने इनके घर की बात कर ली है, ठीक है। ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि घर किस प्रकार के हैं। 2-3 चीज़ें की, कर्मक हैं, तंबू का है, इग्लू है, 5-6 ज़मीन के अंदर हैं, 2-3 फीट ज़मीन के ऊपर हैं, लकड़ियाँ वेल मछली का हड्डियों का प्रयोग करके करते हैं, सुरंग अंदर प्रवेश के लिए भूमिगत सुरंग जैसे बनाते हैं ताकि अंदर गर्मी रहे, और इस प्रकार से अस्थाई तंबू का घर भी बनाते हैं, ये बात कर ली। अब हमें ये समझना है कि वो अपने जीवन में मछली पकड़ने में या और भी किसी चीज़ में आखिर वो किस किस प्रकार के यंत्र या उपकरण प्रयोग में लेते हैं। जो एस्किमो जनजाति हैं वो अपने जीवन में निवास स्थान हो या जीवन यापन के दौरान हो किस प्रकार के यंत्र या उपकरण उपयोग में लेते हैं, उनकी बात करनी है। इनमें से काफ़ी हमने बात कर ली है, लेकिन अगर हम एक ही चीज़ की दोबारा बात करें लाइन से, तो आपको ध्यान रखना है कयाक उसका प्रयोग करते हैं। किसका? कयाक। और मैंने बताया था ये प्रकार की नाव है, कयाक नाव है, लेकिन नाव ये किस चीज़ की बनी होती है? चमड़े की नाव बनी होती है, आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी था, ठीक है। और अगर हम इसकी लंबाई वगैरह देखें तो लगभग ये 5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। और अगर इसकी हम चौड़ाई देखें कि भाई चौड़ाई कितनी है, तो ध्यान रखना है कि इसकी चौड़ाई देखें तो लगभग 1.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो इस प्रकार से एक इनकी नाव होती थी जिसको कयाक कहते थे। क्या कहते थे? कयाक। तो इस नाव की लंबाई मैंने आपको बताई है 5 मीटर और चौड़ाई 1.5 मीटर बताई है, जो चमड़े की बनी होती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि विशेषकर सर्दियों के समय या और भी बसंत काल के समय वो आखेट करते हैं इसके अंदर बैठ करके, हाथ में हार्पून हथियार लेकर, तो उस समय काम आती है। तो ये हमने बता दिया था। कयाक समझ में आ गया ना क्या होता है? कयाक वो बोलते हैं अपनी भाषा में, लेकिन अपनों तो समझ लेंगे कयाक किसको बोलते हैं, वो इस प्रकार की नाव को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और शब्द आपको पता होना चाहिए, उम्याक। क्या बताया मैंने आपको? उम्याक बताया। उम्याक क्या होता है? अगर मैं कहूँ कि जो नाव है उससे अगर बड़ी नाव है, या सिंपल सी बात है कि वो अपनी जो बड़ी नाव है उसको उम्याक कहते थे। जो बड़ी नाव है और इस बड़ी नाव को वो उम्याक कहते हैं, जो लकड़ी की भी हो सकती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और बड़ी नाव से वो बड़ी मछली, और बड़ी मछली मतलब जो वैल मछली है, उसको मारने में, उसके शिकार के समय उस नाव का प्रयोग करते हैं। जैसे कयाक जो नाव है इसको प्रयोग कब करते हैं? जो सील नाम की जो मछली का शिकार करते हैं तब वो इस प्रकार की नाव का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब बड़ी मछली हैं, जो वेल मछली, अगर उसको मारना है, उसका शिकार करना है, तो बड़ी नाव का, और उम्याक जिसको कहते हैं वो अपनी भाषा में, तो उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि उम्याक क्या है, कयाक क्या है, इग्लू क्या है। तो आपको याद रखना है कि भाई ये चीज़ उसके किसके अंतर्गत श्रेणी में शामिल है। अगर इसी हम लाइन में, इसी कड़ी में और इसी टॉपिक में अगर हम आगे देखें, तो हमने हार्पून की बात की है। किसकी बात की है? हार्पून हथियार की। मैंने आपको दिखाया भी था कैसा होता है। ध्यान रखना है कि ये जो हार्पून जो हथियार हैं वो विशेषकर जो छील की मछली हैं उसको मारने में करते थे, ये ध्यान रखना है आपको।
तो इस मछली के शिकार के लिए वो इस प्रकार के हथियार का प्रयोग करते हैं। अगर हम इस हथियार की बात करें तो एक दरअसल भाले के नुमा है, जो भाला होता है ना वैसी उसकी आकृति होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, भाला नुमा हथियार है। और अगर हम इसकी बात करें कि कितना लंबा हो सकता है, तो लगभग 1.2 मीटर से लगाकर 1.5 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है, बड़ा छोटा हो सकता है, तो औसतम ये इसकी लंबाई रहती है हार्पून हथियार की, ये ध्यान रखना है आपको। और जब हमने हथियार देखा था चित्र के अंदर, मैंने बताया भी था, तो आपको पता है पीछे एक रस्सी तो इसके लगी होती है ताकि हथियार मारने के बाद में रस्सी के द्वारा उसको खींचा जा सके, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार से हमने बात की है कि हार्पून क्या है, उमिया क्या है, कया क्या है, तो मेरे दिमाग में ये बात ज़रूर है कि आपके दिमाग में सारी बात आ गई होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। खैर हम आगे बात करते हैं। उसके बाद में अगर हम और चीज़ की बात करें किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं, तो एक स्लेज मैंने नाम बताया था, अगर आपको कुछ याद आ रहा है, ठीक है, मैंने इसका एक फड्डू भी बताया था कि स्लेज गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो स्लेज एक प्रकार से एक बिना पहियों वाली गाड़ी है, बिना पहियों वाली क्या है ये गाड़ी है, ये ध्यान रखना, जिसके पहिए नहीं है वो गाड़ी है, जो बर्फ़ पर चलती है, कहाँ चलती है, बर्फ़ पर, ठीक है। और भाई बिना पहिए हैं चलाने वाला, तो ऐसा तो नहीं पेट्रोल लगता है उसमें, चलाने के लिए जानवर की जरूरत पड़ती है, तो पता है कि इसमें या तो कुत्ते इस गाड़ी को खींचेंगे, जो रेडियर हैं जानवर वो इसको गाड़ी को खींचने का काम करते हैं। और अगर इस गाड़ी की बात करें तो किससे बनी होती है गाड़ी, स्लेज जिसको बोलते हैं, ये जो वालरस मछली हैं उसकी बनी होती हैं, उसकी हड्डियों से, ठीक है, उसकी बोन्स से, हड्डियों से ये बनी होती हैं स्लेज। हमने उसकी विस्तार से बात की थी, इसका हमने एक वीडियो भी देखा था किस प्रकार से गाड़ी खींच रहे हैं कुत्ते, उसका वीडियो देखा था, आपको याद आ रहा होगा, तो वो स्लेज गाड़ी है। तो हमने इसके हथियारों की बात कर ली, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अगर हम अब बात करें उनके समाज और उनकी संस्कृति के बारे में, कैसे उनकी रीति रिवाज है, आदिवासी हैं, आदि मानव हैं, जनजाति हैं, तो किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं उसकी बात करें, तो अब हमें उनके समाज के बारे में पढ़ना है, उनका जो सोशल है उनका, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, और उनकी जो कल्चर है, संस्कृति, अपने अपने समाजों की संस्कृति होती है वो कैसी है वो बात करेंगे हम, ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे और याद रखना है कि कौन सी संस्कृति समाज है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एस्किमो जनजाति के समाज और संस्कृति के बारे में अपने विचार लिखिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। पहली बात करें इनके समाज की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक छोटे छोटे समाजों के रूप में, ग्रुप में रहते हैं, ऐसा नहीं बहुत बड़ा समाज होता है, ये छोटे छोटे समाज होते हैं, इनके छोटे छोटे ग्रुपों में जो इनको समाज बोलते हैं, तो वो ध्यान रखना है, छोटे छोटे समूह में रहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, मतलब थोड़े थोड़े लोगों का एक समूह होता है, वो अपना जीवन यापन उनके साथ में करते हैं। और दरअसल जो जनजाति हैं वो एक जगह पर स्थायी नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक जगह पर लंबे समय तक बने रहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये घुमड़कड़ जनजाति हैं, घुमड़कड़ का मतलब जानते हो ना आप, ऐसी जनजाति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है भोजन के लिए, ठीक है, तो वो एक प्रकार की वह जनजाति है जो घूमती रहती है, तो घुमड़कड़ जनजाति है। तो ये इनके समाज की बात की भी, घुमड़कड़ जनजाति हैं, छोटे छोटे समूह में ये रहते हैं। अगर मैं आपको इसकी और बातें बताऊँ, तो इनका जो जीवन यापन का जो तरीका है ना, आज भी इनका आदिम ढंग से जीवन यापन का तरीका है, जिस प्रकार आदिम मानव किस ढंग से रहता था हैं, वैसे जीवन यापन का तरीका है इनका, आदिम आदिवासी जैसा इनका जीवन यापन का तरीका है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा समाज के अंदर अगर हम बात करें माता और पिता में से किसकी प्रबलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मातृशक्ति वंश का नहीं है, ये पितृवंशीय समाज है, पितृप्रधान समाज है, इसका मतलब ये हुआ कि
समाज के अंदर या इनके परिवार के अंदर पिता की बात मानी जाएगी, ठीक है। और घर का या समाज का अपने परिवार का जो मुख्य है वो कौन होगा, पिता होगा। इस प्रकार का समाज है। कहीं कहीं मातृसत्तात्मक परिवार होता है, मतलब घर के अंदर मुखिया माता होती हैं। लेकिन अगर हम इस जनजाति की बात करें तो पितृवंशीय समाज है, ये ध्यान रखना है। अगर हम और बात करें कि और आपको कौन सी बातें याद रखनी चाहिए, तो ध्यान रखें कि ये जो समाज है इनका, इनके अंदर, इन समाज के अंदर एक प्रथा है, और वो बहुविवाह की प्रथा बिल्कुल है। ऐसा नहीं कि बहुविवाह नहीं करते हैं। बहुविवाह का मतलब समझते होंगे, एक से ज़्यादा या बहुपत्नी रखने का इनके पास में रिवाज है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुपत्नी का क्या है, रिवाज है, प्रथा है। बहुपत्नी मतलब एक व्यक्ति ज़्यादा पत्नियाँ आराम से रख सकता है, वो ऐसा रीति रिवाज है वहाँ पर। अपनी अपनी प्रथा है, अपनी अपनी संस्कृति है। संस्कृति है लेकिन प्रथा है। संस्कृति तो अच्छी चीज़ होती है, लेकिन प्रथा कुरीति भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो दो तीन चीज़ें आप ज़रूर याद करें। इसके अलावा जैसे समाज के अंदर पर्व होते हैं, उत्सव होते हैं, समारोह हैं, तो वो भी अपने जीवन में तो इस प्रकार के उत्सव मनाते हैं। इसके अलावा समारोह भी इनके जीवन में ये खुद करते हैं। तो कार्यक्रम तो ही है, मानव जीवन तो बहुत लंबा है, तो उसमें उत्सव पर्व तो आते रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ये समाज है, इसकी जो जनजाति है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो जादू टोना का जो सिस्टम है उसमें विश्वास करते हैं। ये मानते हैं कि जादू होता है, टोना होता है, टोना टोटका करने से इस प्रकार का फ़ायदा होता है। जादू टोना में क्या करते हैं, ये बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है। तो वो इन समाज की हैं अपनी अपनी बातें, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये क्या भाषा बोलते हैं कुछ, हाँ बिल्कुल, ये भी भाषा बोलते हैं। ये इनकी जो भाषा है वो ध्यान रखना है, इनकी जो भाषा है उनको भाषा को बोलते हैं एस्किमो, एल्यूट बोलते हैं। इनकी भाषा का नाम क्या है, एस्किमो एल्यूट, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट मान लो इस बात को कि इनकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का क्या नाम है, एस्किमो एल्यूट कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किस प्रकार का इनका जीवन यापन था, किस प्रकार की इनकी संस्कृति, समाज में रीति रिवाज हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक ऐसा परिवार है कि जब शीत ऋतु होती है, ठीक है, शीतकाल होता है, और परिवार के अंदर अगर खाने की कमी पड़ जाए, खाना कम पड़ जाए, भोजन की कमी हो जाए, तो ऐसा माना जाता है कि इनके समाज में जो सबसे बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, ठीक है, सबसे जो वृद्ध व्यक्ति हैं, वो क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। समाज का बुज़ुर्ग व्यक्ति कब, जब शीतकाल के अंदर खाने की कमी हो जाए, लगता है कि अब घर वाले मरने वाले हैं, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार की बातें हमें इस समाज में मिलती हैं। तो हम समझ रहे होंगे कि किस प्रकार आदि मानव या ये जनजाति हैं, किस प्रकार इनका जीवन एक दुर्लभ वातावरण में रहकर यापन करते हैं। तो इनके बारे में आपको काफ़ी कुछ पता होगा कि किस प्रकार का ये समाज है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर इनके बारे में समझें कि इनका वातावरण किस प्रकार ये जुड़े रहते हैं, वातावरण से किस प्रकार इनको चीज़ें आती हैं, वातावरण से कितना समायोजन रखते हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा कि वातावरण का या वातावरण समायोजन क्या होता है, ये समझना आपको। वातावरण समायोजन, वातावरण समायोजन का मतलब ये होता है कि ये कितने गजब के वातावरण में रहते हैं, जो वातावरण है उनके साथ में किस प्रकार वो मिलजुल कर सामंजस्य बनाकर रहते हैं। उनको पता है कि जिस जगह पर हम रह रहे हैं वहाँ कितनी ठंड पड़ती है, यहाँ तक कि वो बर्फ़ का प्रयोग करके इग्लू जो घर हैं वो भी उसका प्रयोग करते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि स्लेज गाड़ी भी बनाते हैं, मतलब जैसा इनको वातावरण से जो चीज़ मिली है उसी का प्रयोग करते हैं। मतलब वातावरण से बर्फ़ मिली तो बर्फ़ का प्रयोग करके घर बना दिया, ठीक है। वातावरण से उनको अपने आसपास से उनको हड्डियाँ मिली तो हड्डियों का प्रयोग करके वो ये गाड़ी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जब भी कभी ठंड पड़ती है, बर्फ़ गिरती है, या सूर्य की ज़्यादा चमक आती है, तो वो आँखों को बचाने के लिए आँखों के ऊपर कवच भी रखाते हैं, आँखों को ढकने का भी काम करते हैं। ये भी एक बात है कि जैसा वातावरण है उनके साथ में खुद ढलते रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि मानव वातावरण के साथ में सामंजस्य बनाए रखता है,
जैसे आप वर्तमान में मान लो गर्म इलाके में रहते हैं और आप थोड़े समय बाद में ठंडे इलाके में जाते हैं, तो धीरे धीरे शुरुआत में आपको तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर वहाँ से अनुकूलित हो जाता है और फिर आप आराम से वहाँ रहना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे ही ये वातावरण के साथ में समायोजन रखते हैं, वहाँ के वातावरण से बर्फ जो मिली है उसके घर बना दिया, स्लेज प्रयोग कर लिया, ठंडी हवा है या बर्फ जो वहाँ पर गिरती है उसे बचाने के लिए अपने आँखों के ऊपर कवच का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें हमें वहाँ मिलती हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बात करेंगे हम आगे अगले वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैंने आराम से व्यवस्थित चीज़ बताई है आपको। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में सारी बात कंप्लीट हो जाएंगी, और जब भी आपको रिविजन की इच्छा हो और आपके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं याद हो रही है कभी उस समय क्या बताया था सर ने, तो तुरंत जाओ आप चैनल पर और वहाँ से वीडियो को आराम से देख सकते हो, क्योंकि वीडियो अभी तक पड़े हैं, आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो करें, इसके अलावा वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।